गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रेक्सिना गोंसालविस, सेठ विद्या मंदिर हाईस्कूल की शिक्षिका, आज पांचवी वर्ग सर्वांचे स्वागत करत आहे। मुलांनो, आज आपण इयत्ता पांचवीच्या पाठ्यपुस्तकातील पतंग ही कविता अभ्यासणार आहोत। कविता 26, पतंग। पतंग उड़वू चला, गड़ानो पतंग उड़वू चला, रंग ढगावर मावळतीचा, लाल पिवळसर किती मजेचा, झुळझुळ वारा नदी काठचा, बाजूस डोंगर मळा। मुलांनो, तुम्हाला सुद्धा पतंग उडवायला आवडते? तुम्ही सुद्धा तुमच्या घराच्या गच्चीवर आपल्या मित्रांबरोबर पतंग उडवायला जात असतात? आणि पतंग सहसा कधी उडवले जातात? तर संक्रांतीला। या कवितेत मुलगा कोणाला बोलावत आहे? तर मित्रांना, गड्यानो। गड्यानो म्हणजे मित्र, सवंगडी, सखा। आणि जेव्हा सूर्यास्त होतो तेव्हा ढगावर कोणते रंग दिसतात? तर लाल आणि पिवळसर रंग दिसतात। बच्चे अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं, चलो हम लोग कहाँ जाते हैं? तो पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं। सनसेट होता है, तभी क्लाउड का रंग रेडिश और येलो होता है। बच्चे कहाँ पतंग उड़ा रहे हैं? तो रिवर बैंक के ऊपर। तो जो रिवर बैंक है, इधर वहाँ बहुत ठंडी और तेज हवाएं बह रही है। करू चला सुरुवात बरोबर, सोडा सोडा रीड भराभर, पतंग चढवा हे वाऱ्यावर, ढगास भेटायला। पतंग बांधलेल्या दोऱ्याला काय म्हणतात? तर मांजा। आणि पतंग उडवणे म्हणजे पतंग बदवणे असे आपण म्हणत असतो। सुरुवात, सुरुवात म्हणजे स्टार्ट। पतंग कोणाला भेटायला जाणार आहे? तर ढगांना। बच्चे कहते है की अभी हम एक साथ ही पतंग उड़ाना शुरू करते हैं। अभी जो पतंग उड़ाते हैं, जो मांझा रहते हैं या रीढ़ में रहते हैं, उसे रिलीफ करते जाओ। हमारे पतंग है, उसको ऊपर ऊपर लेकर जाओ। यह पतंग को आसमान में जो क्लाउड है उसको मिलने के लिए हम लोग भेजेंगे। इतनी ऊंचाई पर हम लोग पतंग उड़ाने वाले हैं। मऊ मऊ वाळूत पाय रोवनी, देऊ झटका दोरा ओढूनी, पतंग जातील वरवर चढूनी, पंख नको त्याजला। मऊ मीन्स सॉफ्ट, वाळू, वाळू मीन्स सँड, त्याजला त्याला, पंख मीन्स विंग्स। या पतंगाला पक्षाप्रमाणे पंखाची गरज लागत नाही। तर त्या पतंगाला झटका दिल्यावर ते पतंग वाऱ्याबरोबर हवेबरोबर वर वर जात असतात। नदी किनारे जो सँड है वो बच्चों के पैर में सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। मांजा को झटका देते बच्चे तो पीछे पीछे जाते हैं और वो पतंग और ऊपर ऊपर जाती है। जितना बच्चे झटका देंगे उतना ऊपर ऊपर जाती है। उसको उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं है। जशी पाखरे आभाळात पंख पसरुनी तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत,
खेळ किती चांगला। पाखरे, पाखरे म्हणजे पक्षी, बर्ड्स। आभाळात, आभाळात म्हणजे आकाशात। पंख पसरुनी, पंख म्हणजे विंग्स। तरंगतात, तरंगणे म्हणजे हवेत उडणे। दिसतील तसे पतंग रंगीत, तसेच पतंग सुद्धा या पक्षाप्रमाणे आम्हाला कसे दिसणार आहेत, तर रंगीत। पतंग कोणासारखे तरंगतात, तर पाखरासारखे। अभी पतंग आसमान में कैसे दिख रहे है, जैसे पंछी उड़ रहे है, उसी तरह से ये पतंग हमें दिख रहे है। पंछी के तरह पतंग भी हमें आसमान में कलरफुल दिखाई दे रहे है। वो जो गेम है वो कितना अच्छा है, ऐसे बच्चे बोल रहे है। मुलांनो, आता ही कविता तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायची आहे आणि जे चित्र आहे ते तुम्हाला काढायचं आहे।